हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ही होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, SOL की तरफ से यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाला गया है। और इस नोटिस में क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। और बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप SOL के अंदर जा रहे हैं तो इन्होंने क्या क्या बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए मैंने थंबनेल पे डाला हुआ है इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो नोटिफिकेशन है वो सेकंड सेमेस्टर वाले जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अपना मार्च में दिया था SOL के, और जो अब सेकेंड सेमेस्टर में है, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है कि इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर रिगार्डिंग पब्लिक डीलिंग एट सोल ड्यू, इन्होंने ये कहा है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है वो अपनी हार्ड कॉपी यानी अपनी बुक्स लेने के लिए SOL जा रहे हैं बड़ी तादाद में। जी हाँ, यानी कि इनका ये कहना है कि SOL के अंदर आप इतनी तादाद में आ रहे हैं। तादाद क्या, एक बार बताइए, जब SOL के अंदर लाखों स्टूडेंट पढ़ता है तो कहीं ना कहीं जैसे ही उनको ये पता चला कि SOL में बुक मिलना स्टार्ट हो चुकी है सेकंड सेमेस्टर की, तो कई सारे स्टूडेंट बुक कलेक्ट करने वहाँ पे जाने लगे। और कल कई, मैं आपको हाल बता रहा हूँ, कल ही एक स्टूडेंट ने मुझे वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मैंने खुद उस वीडियो को देखा, तो उसमें इतना बुरा हाल है SOL का कि ये मान के चलिए जैसे राशन की लाइन या जैसे नोटबंदी में आप लाइन आपने देखी होगी कि नोटबंदी में जिस तरीके से लाइन लगती है उस तरीके से वहाँ इतनी भीड़ हो रखी है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब उनको भी परेशानी हो रही है। तो इसीलिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, इसमें ये बताया है कि हमें पब्लिक डीलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि होम मिनिस्ट्री के सख्त ऑर्डर भी है MHA के कि गाइडलाइंस को फॉलो भी कराना है क्योंकि कोविड पैंडमिक है। तो इसके लिए इन्होंने ये आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ स्टडी मटेरियल अगर आप इस समय अगर ले ज़रूरी है तो ही लेने जाए, वरना अगर इससे अच्छा आप सॉफ्ट कॉपी SOL की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले सेकंड सेमेस्टर की और उसी से अपना एग्ज़ाम दीजिए। अब ऐसा इन्होंने इसीलिए बोला है क्योंकि भीड़ ना हो वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब आप खुद देख लीजिए, क्योंकि अब तो आप टोकन सिस्टम भी मैं स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। टोकन 8 या 9 बजे बढ़ जाते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट वहाँ भीड़ लगा रहा है, दंगे कर रहे हैं। इतने ज़्यादा हालत SOL की ख़राब हो रखी है कि कहीं ना कहीं अब उनको एक नोटिस के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि आप स्टडी मटेरियल लेने ना है, इससे अच्छा आप घर में रहकर ही सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर ले SOL की साइट पर जाके, CBCS सेक्शन में जाके। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बुक्स से ज़्यादा आपकी जान इम्पॉर्टेंट है, तो ये ना सोचिए कि कोरोना कम हो गया है या ख़त्म हो गया है तो हम वहाँ जाके भीड़ लगाएंगे, तो बाद में चले जाना, भीड़ मत लगाओ। इतने ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहे हैं, मैंने खुद वहाँ का हाल देखा है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोटो भेजी थी वीडियो, तो इतना बुरा हाल हो रहा है, एक तो गर्मी ऊपर से और ऊपर से इतनी भीड़, और कहीं ना कहीं आप समझ ही सकते हो क्या हो सकता है। ऐसा ना हो आप लेने गए थे बुक्स और बुक्स के साथ आपको फ्री में मिल जाए कोरोना, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जाने से बचे, घर में रहिए, सॉफ्ट कॉपी PDF डाउनलोड करके ही पढ़े, क्योंकि अभी जो हालत हमारे देश की है वो कहीं ना कहीं आपसे छुपी नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि तीसरी लहर जो बता रहे हैं उसमें दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ जाए और कहीं ना कहीं दोबारा वो प्रॉब्लम जो पहली वाली जो थी वो आ जाए। तो मैं भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बुक्स लेने ना जाएँ, और अगर जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ ना लगाएं और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, और यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं वहाँ बहुत बुरा हाल है, आप खुद जाइए, अगर आप जा चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि और स्टूडेंट को भी पता चल सके। ओके, थैंक यू सो मच।